bitch be the mutants. एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई विजय और मेरे साथ हैं दोबारा से फिर से। आज हम किसी की लेने नहीं आए, आज हम आपको अपना बिजनेस दिखाने आए हैं मिस्टर। नाम बताया करो यार पहले लोगों को। मिस्टर शहजाद हमारे साथ हैं, मिस्टर शहजाद और मैं विजय। आज हम दोनों बिजनेस के बारे में, काम के बारे में ये चीजें दिखाएंगे। कुछ हाथी जैसे, जो अपने आपको हाथी समझते हैं, कुछ हाथी जैसे लोग महीने में, हफ्ते में 2-4 वीजा लगवा के दिखा के सिर्फ आजाद वीजा रह गए हाथ पल्ले, और तो कुछ रहा नहीं है। और मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, मार्केट में हर दूसरी दुकान पे आजाद वीजा बिक रहे हैं दुबई का। भाई किसी को डरने की जरूरत नहीं, आज हम किसी के लेने नहीं आए, आज हम बिजनेस दिखाने। तो अभी बिजनेस दिखा देते हैं आपको कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये देखे भाई, एक पासपोर्ट और ये मैंने एक वीजा पेस्ट कराया है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये फिलिपिनो गर्ल, इसका एक वीजा पेस्ट कराया मैंने, फिर एक इधर रख देता हूँ मैं। और आज ही, हाँ आज ही एक बंदे का और पासपोर्ट आया है मेरे पास, उसका भी मैंने एक इसकी एप्लीकेशन हुई है, हमने कराया नहीं है। अच्छा, जो लड़की को मैंने, ठीक है। और फिर एक पासपोर्ट और है हमारे पास, तीन पासपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, तीसरा पासपोर्ट ये, इसका वीजा पेस्ट कराया हमने, अभी दिखाता मैं, कुछ बता रहा हूँ आपको। और फिर ये अब भाड़ में जाए, अब मैं बताता हूँ बिजनेस किस तरह होता है। तीन पासपोर्ट नहीं है यहाँ पे, कितने रखे हैं टेबल पे अपने, एक दो तीन नॉर्मली। ये अभी का मतलब कि काम है, मतलब कि इस अक्टूबर में जो हो रहा है। अक्टूबर में आज कौन सी तारीख है? अक्टूबर आज चल रही है 9 तारीख। 9 तारीख मतलब हम वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं, तो ये का ये काम है, ये 8 दिन का, ये इतने पासपोर्ट रखे हैं, ठीक है। काम इस ये होता है, लोगों के पासपोर्ट यहाँ पे रखे हुए हैं, एक दो तीन चार नहीं है जो, ये 5 दिन का पास, 5 दिन में भाई वो भी अक्टूबर के रखे हैं थोड़ा उधर की ये चीज ये चीज पिछले महीनों के उधर कवर्ड में रखे हैं ये पासपोर्ट। कम से कम मेरे ख्याल से 100 तो होंगे, नहीं ज्यादा ही होंगे, 100 पर होंगे। हर कंट्री के पासपोर्ट है भाई, 8 दिन का काम है, 8 दिन, हर दिन में कम से कम 15 वीजे। काम इस तरह होता है, ये नहीं होता कि भाई मैंने आज 4 वीजा लगा दिए, 5 वीजा लगा दिए, इस हफ्ते में मैंने 3 वीजा लगा दिए। भाई अगर मैं ना एक एक के वीजा पेस्टिंग की वीडियो बना के और पासपोर्ट दिखाने लगूँ ना, तो मेरे ख्याल से मेरे पास कम से कम एक महीने के अंदर 250-300 वीडियो डालनी पड़ जाएंगी। हाँ, मिनिमम। असल में ना हम 3 से 4 बंदे हैं, मलिक हो गया, विजय हो गया, बाबा हो गया और एक यासीन हो गया। क्या बात है, एवरेज ये है। क्या हुआ? और ये भी है ना, ये भी जो कल का काम है मैं करा के आया था, बहादुर भाई बहादुर भी है ये पाकिस्तान को, ये हमारा भाई पाकिस्तानियों को खुद ही डील करते हैं, ये हमारा भाई, ये इसलिए जो कस्टमर भी है, ये सिर्फ इसके कस्टमर है। चलो अभी हम आपको काम दिखाते हैं, काम होता किस तरह है। अब ये चीज मैं बता दूं आपको कि ये वो पासपोर्ट है जिनके इस महीने के अंदर अंदर और पिछले महीने के अंदर हमने वीजा पेस्टिंग कराई, आजाद वीजा दिए। कम से कम 200 के समथिंग पासपोर्ट मेरे ऑफिस में इस वक्त रखे हैं प्रेजेंट में। ऐसा नहीं कि मेरे भाई नीचे मैं दराज खोल लूं, भाई 5 पासपोर्ट घर में पड़े हैं। वो कवर्ड वाले भी गिनो ना, 1000 से ज्यादा पासपोर्ट होंगे पिछले भी, जब से आपके साथ काम शुरू किया तो 200-400 पासपोर्ट पड़े होंगे। तो ये है कि डेली की एवरेज 15 से 20 बाबा भी लाता है, 4-5 बाबा के डेली हो जाते हैं, 2-3 मेरे हो जाते हैं, 2-4 तेरे भी हो जाते हैं। मलिक ने 4 दिन कुछ नहीं दिया, लेकिन 5वें दिन फिर उसने 8 दे दिए, एक दिन ये काम दे दिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि भाई दराज खोल के दिखा दी मैंने, ये 4 पासपोर्ट पड़े हैं इसमें और ये वीजा पेस्ट मैंने आज कराया है, ये वीजा पेस्ट मैंने सुबह कराया है। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? आप कब आए थे? 4 दिन पहले आए थे, 4 दिन में मैंने 5वें दिन इनका वीजा लगवा दिया। और किसकी कंपनी का वीजा है जानी? मैं अपनी पे आ गया ना, तो वीजा कैंसिल करने के लिए ना ज्यादा करोड़ों रुपए नहीं लगते। सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि लाइसेंस में मैनेजर भाई है हमारा, ठीक है। तो चलो ये बात मैं बुरा नहीं चाहता किसी का गलत ना हो, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाना, बिचौलिया भाग जाना है पिंड बिछा के, और जिन्होंने पैसा लगा के पैसा वेस्ट, उनका वेस्ट हो जाना है। अब हम काम किस तरह होता है, थोड़ी सी स्क्रीन घुमा ले, ये जो लास्ट मंथ जो करंट मंथ चल रहा होता है ना, तो हम उसे डिस्टॉर्ट कर रखते हैं। हम ये फोल्डर देख रहे हैं ना, ये फोल्डर है ना हर कैटेगरी का, किसका, कौन सी कंट्री का है, कैसे क्या है सिस्टम है, सब कुछ यहाँ पे हमने फोल्डर बनाए होते हैं। ये फोल्डर वो है अक्टूबर का जो इस 6 से 7 दिन के अंदर हमने काम किया है, ये है, ठीक है।
अब ये देखें 8 तारीख तक, आज 9 है, आज जो तारीख है वो है 9। एक मिनट मैं इसे ना इसकी स्टैंडर्ड व्यू कर देता हूँ। ये आज तारीख है 9 को है फ्राइडे, 8 तारीख तक जो हमने काम किया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ तक 9 का कोई भी काम नहीं है क्योंकि 9 को हमारा फ्राइडे है। हम शुरू करते हैं अपनी 8 से ही, ठीक है। 8 तारीख बाबा के कस्टमर, बाबा के 3 क्लाइंट्स थे, ठीक है, एक ये फिलिपिनो थी, पता नहीं बाबा फिलिपिनो कहाँ से पटा लाता है यार ये नेपाल से थे, ये बाबा के ये बेसिकली इंडिया से, ये बाबा के मतलब के बाबा के क्लाइंट्स से, ठीक है। मलिक ने 8 दिए और माशाल्लाह 8 के 8 पाकिस्तानी ही थे सारे, 8 के 8 जिनके भी कुछ भी हो, असल में मलिक का सारा काम जो है ना वो पाकिस्तानियों के साथ है। हमारा जो है वो मल्टीनेशनल है क्योंकि हम ऑनलाइन बेस होते हैं, कभी हमारा कहाँ कभी कहाँ, ये अभी अगवानी है, ठीक है, मेरे कोई स्पेसिफिक कस्टमर्स नहीं है, कभी कहाँ से आ जाते कभी कहाँ से। और 3 आ गए 8 तारीख को विजय के, तो मलिक ने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मलिक के ज्यादा ही कुछ 8 हो गए, वरना मलिक के हमसे कम ही होते हैं। बाबा के 3 इसके 3 थोड़ी लंबी हो जानी है, ये सीधा अंदर खोल के एक दो जगह दिखा दें, वैसे इसलिए खोल के दिखा रहे हैं भाई लोगों को ये ना लगे कि हाँ भाई ये फोल्डर ही बनाए हुए हैं, फोल्डर के अंदर कुछ है भी या नहीं है। हाँ सही, तो इसलिए फोल्डर खोल के दिखा रहे हैं आपको। तो अब मैं अच्छा। आपको बात बता दें, ये इतना कुछ हमने फोल्डर दिखाने की जरूरत नहीं भाई, पासपोर्ट गवाही देते हैं, ठीक है, और पासपोर्ट के अंदर भाई ये पासपोर्ट है, ये सब काम ही हो रहा है भाई, इसमें कोई ऐसा नहीं बात होता है, किसी का पासपोर्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, काम होता है। अब दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि कोई अपने पासपोर्ट इसी तरह कहीं पे नहीं छोड़ के जाता, ये वीजा लगे हुए हैं, उनके पासपोर्ट अपने पास रखे हुए हैं। ये जो लोग हैं ये सिर्फ ये 2 से 4 दिन का काम है और ये पिछले मंथ का काम है, कितने पासपोर्ट, तो ये हमारे ऑफिस में नहीं है कि भाई 4-5 दिन में एक वीजा लगा दिया, उसकी वीडियो ओपन करके दिखा दी, हाँ जी ये देखिए, और हाँ भाई आप कब आए थे, 5 दिन पहले आए थे, अच्छा जी शेख चिल्ली जी के पास 4-5 दिन पहले आप आए थे और फिर उन्होंने 4-5 दिन में वीजा लगवा दिया एक। और उस कंपनी में कितने वीजा हुए थे, 26 दिन मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था उस कंपनी में 26 वीजा, 4-5 और निकाल दिए होंगे, 30 हो गए होंगे। मैं अपनी पाया सबको कैंसिल करने लगा ना, तो बेचारों का नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये जो बिछोड़िया है इस दरमियान से इसने तो भाग जाता और पहले भी इसने बहुत बंदों का, ऐसा नहीं है कि यूजर आईडी लॉगिन आईडी मुझे नहीं पता है, चेंज कर ले, सिग्नेचर कार्ड कहाँ पे रखा है ये भी पता है कि छोटा, ये चीजें ई आईडी कहाँ है। और दूसरी बात ये है कि लॉगिन आईडी के पासवर्ड, लॉगिन आईडी कितने भी चेंज कर ले भाई सब पता चल जाता है, जिस दिन मैं अपनी पे आ गया ना ये सब धमकियां देनी ये सब चीजें करनी कि हाँ सबको मैं बताऊंगा, मेरा टाइम आएगा, कुत्ते का टाइम आता है टेंशन ना ले, तेरा भी टाइम आएगा तो ये काम है हर कुत्ते का टाइम। हाँ और अभी एक वीडियो मैंने सुबह डाली है, उस वीडियो में वो बेचारा क्या कह रहा है, वो खुद इसको कुत्ते की नस्ल बता रहा है, तो इस तरह की यार लोगों के साथ गलत हुआ, अंदर से बद्दुआ ही निकल रही है उनके साथ। सही बात है। तो मैं तो भाई बता रहा हूँ काम किस तरह होता है, ऐसा नहीं है कि भाई 4 वीजा निकाल दिए 5 वीजा निकाल दिए, पूरे साल एक कंपनी का, एक कंपनी एक्सपायर होने वाली है अगर नेक्स्ट मंथ सिक्योरिटी की, और उसमें पूरे वीजा निकले हैं 30 मेरी जान, हमने हैरानी की बात है, एक एक महीने में हम 2-2, 4-4 कंपनी निचोड़ के फेंक देते हैं, खुद समझना एक एक, अच्छा डेली 15 वीजे आ जाए एवरेज के हिसाब से, ठीक है, तो डेली 15 आ जाए तो 2 दिन में 30 वीजे उसने साल में 30 निकाले, ये इस बात की मैं सिर्फ ये काम दिखाना चाह रहा हूँ, जिसको आजाद वीजा चाहिए आजाद वीजा मिलेंगे, हम 2 तरह से वीजा दे रहे हैं, कैश पेमेंट में दे चाहिए आपको तो कैश पेमेंट में मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में चाहिए इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। मेरे ख्याल से जो बंदा आजाद वीजा आजकल मार्केट में जिसका जिसके कटोरे में आजकल आजाद वीजा दिख रहे हैं मेरे ख्याल से उसकी इतनी औकात नहीं है वो इंस्टॉलमेंट में वीजा दे सके, वो टीम से भी काम, टीम बना के भी काम नहीं। अभी मुझे पता ये है कि हम टीम में काम करते हैं 4 हैं 5 अभी मुझे पता चला एक बंदा मेरे अकेले ही काम करता है, क्यों, वो चाहता है, वो धोखा करता है, जो बंदा धोखा करता है उसकी कोई टीम नहीं होती, उसका कोई ऑफिस नहीं होता, वो मिलजुल के काम भी नहीं कर रहा होता यार, खुद खल्ले बल्ले बंदा, वो क्या करता है कि इधर से पैसे पकड़े खा लिए, उधर से पकड़े खा लिए, उधर से, क्यों, अगर टीम होती है तो वो कहते हो भाई पैसे कहाँ पे हैं, बंदे का काम कर, हर कोई तो नहीं भाग सकता ना, अकेला बंदा वो भाग सकता है। अभी सजा तुम्हें तुझे एक कल का एक बंदा आया जो कल अपने पास नेपाली था ना लड़का, हाँ। जो अपने पास जॉब के लिए आया था, हाँ, एक नेपाली लड़का था वो मेरे पास आया, उसने कहा कि जी ऐसे ऐसे आपका नाम सुना है और यहाँ पे आया मैं, फिर उसने उस शेख चिल्ली का नाम लिया, नाम नहीं लूंगा उसका, रियल वाला बंदा याद है
जो आके वीजे के लिए आया आया मेरे ऑफिस में, उसे पता था कि ये बंदा यहाँ पे है। वो आया और हाथ बांध के रोने लगा कि यार मेरे पैसे। जब विजय यहाँ पे आया, पता चला विजय के ही नंबर से कोई दूसरा बंदा उसे रब्ता कर रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, पैसे उसने कहा ये तो विजय नहीं है, शक्ल उसने उसकी देखी थी। इसने जब बात की, इसने कहा कि ये देख ये मेरा व्हाट्सएप है, कहता है उधर आवाज तेरी और है, इधर तेरी और है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें। अच्छा, तो भाई उसे जब भी पता था आप जब तक मेरे से वीडियो कॉल पे या फिर मेरा फेस या फिर मेरी वॉइस कंफर्म ना कर लें तब तक किसी से उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुझसे जो बंदा बात कर रहा था वो कह रहा था कि मैं विजय का दोस्त हूँ। उसने वॉइस सुनवाई, वॉइस मैसेजेस सुनवाई, इसने कहा भाई ये तुझे मेरी आवाज लगती है, ये मेरी आवाज है, उसने पहचान भी लिया। ठीक है, फिर अभी विजय ने उसे कहा जाके भाई तू उससे पैसे मांग। उसने ऊपर से क्या कहा कि विजय को कहो पैसे विजय के अकाउंट में गए हैं, विजय को कहो कि अपनी लोकेशन सेंड करे। विजय उसने विजय को कहा, विजय ने फौरन लोकेशन सेंड कर दी, मेरे ऑफिस आ जा, आके बैठ के पैसे की बात कर लेते हैं कि अकाउंट मेरे में आए हैं या तेरे पास है पैसे। वो दो दिन कहता रहा बंदा हमारे ऑफिस नहीं आया। भाई वो आएगा ना जिस दिन, छितर खा के जाएगा, वो पिछले हिसाब भी लेके आना चाहिए ना। हाँ। अभी मैं बताऊं, अभी कल एक नेपाली आया मेरे ऑफिस पे, भाई मैं सबकी हेल्प करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, जिसका जो भी जितना मैं कर सकता हूँ। नेपाली आया, उसने बताया जी शेख चिल्ली के ऑफिस में मैं गया था, उसने मुझसे 1500 रुपये ले लिए और वापस पैसे नहीं दे रहा। उसी के साथ एक बंदा और आया था, वो नेपाली, उसकी रेफरेंस से गया था वहाँ पे, वो बोल रहा कि भाई मैंने वहाँ पे 1500 वो 1300 दिए, उसने मुझे 1000 दिए, बोल रहा कि यार मेरी टीम काम करती है और इनके 100-200 रुपये काट लेता हूँ मैं, तो इतनी मेहनत की उन्होंने तेरे साथ। भाई एक बात बता, तेरे में जब जुगाड़ नहीं है, तेरी औकात नहीं है किसी को काम पे रखने की, तो तू दूसरों के लोगों के भरोसे पे उनको रखेगा कि हाँ भाई ये जितने क्लाइंट लाएंगे इनका काम हो ना हो 100 रुपये उनसे लेके इनको देने हैं। ये कटोरा उठा ले हाथ में। इतना ही कहूंगा, किसी को आजाद वीजा चाहिए हो भाई, आजाद वीजा आराम से मार्केट में हर जगह बिक रहे हैं। काम मैंने दिखा दिया है, 2-4 पासपोर्ट नहीं दिखाए आपको, 100 से ऊपर, 200-250 से ऊपर पासपोर्ट यहाँ टेबल पे रखे हैं, आस पास रखे हैं, और अंदर अलमारी में कम से कम 1000 पासपोर्ट रखे हैं। हम आजाद वीजा इंस्टॉलमेंट में भी दे रहे हैं, ये भाई अपना जिगर है, अपना गुर्दा है, तो हम बेच सकते हैं इंस्टॉलमेंट में भी, कोई और बेच के दिखाए दुबई में चैलेंज। सही बात, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में वीजा भी दे रहे हैं, और किसी को कैश चाहिए कैश भी मिलेगा, सब चीज अपने पास फैसिलिटी है। किसी को कंपनी ओपन करनी है, लाइसेंस कंपनी का बनवाना है, ये सभी कंपनियों के लाइसेंस है अपने पास। बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट करानी है, ये दुबई के लाइसेंस है, मैं तुझे ये सब जो फाइलें हैं, ये लोगों ने जिन्होंने अपनी कंपनी हमसे ओपन करवाई है उनकी फाइल है, और ये अक्टूबर की जो कंपनी है। ठीक है, ये इधर दिखा दे इनको एक मिनट, मैं ये ना इसे थोड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये अक्टूबर के आमिर नवाज कारगो, अहमद आसिम, अल नाहदा, बिलाल हुसैन, दारल तकवा, ये दीपक जरियाल, ये तो भाई की तरफ से मेरे पास आया था। उंगली रख ले भाई इस पे। हाँ, और ये फमल हूत हो गया, ये इफ्तिहार हो गया, ठीक है, ये खतल बरारी हो गया, ये सारी कंपनी है। टोटल कितनी कंपनी है टोटल मंथ में, इस हमने 8 दिन खोली है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कंपनियां टोटल इन 8 दिन के अंदर हमने 21 कंपनियां ओपन की हैं। कुछ क्लोजिंग थी पिछले महीने वाली, जो अभी क्लोज हुई, जब क्लोज होती हैं तब हम इनको अपडेट करते हैं। ठीक है, हाँ, इस मंथ में ये हुई है, जिस मंथ में वो क्लोज होती हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम बिजनेस करा देंगे, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, भाई पहले तू इसका बिल हो जा, खुद तो बना ले अपनी कंपनी, तो अपने नाम से, तो पहले तू खुद तो अपने अपनी कंपनी बना ले, अपने नाम से लोगों की करवाएगा। यहाँ पे सब चीज की फैसिलिटी है, कंपनी आपने ओपन करनी है, कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई भी पीआरओ की सर्विस आपको चाहिए, ठीक है, और कुछ भी किसी को आजाद वीजा चाहिए, प्लेसमेंट करवानी है, जो बिजनेस सर्विसेज हो गया, बिजनेस सर्विस में मतलब के कंपनी एस्टैब्लिशमेंट हो गया, बिजनेस का कोई भी हो गया, और पीआरओ सर्विसेज में फैमिली वीजा हो गया, आजाद वीजा हो गया, साथ में मतलब के एम्प्लॉयमेंट वीजा हो गया, किसी को चाहिए तो हम उसकी प्लेसमेंट भी करा के देंगे। तहसील आमिर का 80% काम हम यहीं बैठे बैठे करते हैं। हाँ, तहसील आमिर का 80% हमारे अपने ही यूजर है, सारा काम यहीं पे ही होता है। और उसके अलावा एक चीज ये है कि किसी को कोई एनओसी का भी, अगर कोई हमसे आजाद वीजा लेता है, उसे एनओसी जरूरत है, उसे किसी किस्म की इंस्पेक्शन करानी है, उसे अकाउंट खुलवाना है, सारी सर्विस विदाउट एनी कास्ट, कोई भी एक्सक्लूडिंग कास्ट नहीं होगी। हाँ, जो फीस होगी उसकी लगेगी, वो फीस खुद ही अपने हाथों से पे करेगा, हमने कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, एनओसी के कोई भी पैसे कभी भी कोई भी नहीं लेगा, ठीक है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, नथिंग। और हम हर वक्त मतलब कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, पीछे भी आएंगे भाई, ये नहीं कि बंदे को वीजा दे के छोड़ दिया, वो जहाँ चाहे मरे, जो कुछ करे, जैसे भी, ठीक है, हमारा लोकल भी पीछे आता है, हम भी पीछे आते हैं, इतना काम है, ऐसे ये नहीं चल रहा, ये ट्रस्ट। अपने लोकल की कितनी कंपनी है?
186, एक की जो मतलब के जो मेन है उसकी 186 है, वैसे दो और हैं, एक की 42 है और एक की अभी हमने शुरू किया। हाँ, तो जो मुझे ये बात धमकी दे रहा था कि मैं आऊंगा आऊंगा लोकेशन भेजने के बाद भी, जब मैंने लाइव लोकेशन भेज दी, ऑफिस की लोकेशन भेज दी, जब तेरा दिल करे आ जा मेरी जान, ठीक है, तो शेख चिल्ली इस चीज का मत फिक्र ले, टेंशन ना ले कि भाई मुझे कोई दिक्कत है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो तू ये धमकी दे रहा था ना, आऊंगा मैं लोकल के साथ आऊंगा, तो एक लेके आएगा ना यार, 10 लोकल बिठा के रखूंगा तेरे लिए। तो इस चीज की धमकी आगे से मत दियो, ये मत सोचियो, क्योंकि जो तेरे पास बिजनेस आया था ना इससे पहले, वो सिर्फ स्पेस की वजह से आया था, ठीक है। मैं किसी को खड़ा कर सकता हूँ, किसी को गिरा भी सकता हूँ, ऐसा ही होता है। तो अब इस चीज यार एक मिनट, तुझे गिराने की उसे जरूरत ही नहीं है, जो बंदा बेईमान होता है वो खुद ही गिरता है, झूठ के गालियां देते हैं भाई, कुत्ता कुत्ता गालियां देते हैं भाई, झूठ के पांव नहीं होते, चलता तो है लेकिन फिर गिर जाता है, उसने खुद ही गिरा, तुझे गिराने की जरूरत नहीं है। जो उसकी टीम में रखा हुआ है उसका एक का बेचारे का पासपोर्ट खो दिया टीम मेंबर का वो टीम मेंबर रखा हुआ है अभी बेचारे ने, पहले उसको वो आया था वहां आजाद वीजा लेने, 6-7 हजार उससे ले लिए, ठीक है, उसका फिर पासपोर्ट खो दिया। अच्छा। जब वो कंप्लेन करने की धमकी देने लगा, फिर उसको कहा लालच दे दे कि तू मेरी टीम में काम कर ले, ऐसे ऐसे काम इसके। चलो बहुत भी चीजें हैं ऐसी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बात खत्म करता हूँ। इधर है भाई, इधर ही है, बिजनेस सेटअप हो रहा है, सारा कुछ हो गया है, किसी को कुछ भी करना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फैजादपुर में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। किसी को आजाद वीजा चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, वीडियो के नीचे नंबर होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बिजनेस हमारा भी हो सके, और जो शेख चिल्ली जैसे हैं उनका मैं ये नहीं कहूंगा डाउन हो जाए, मैं ये कहूंगा उनसे बच सके, अगर आप किसी के साथ गलत होने से बच जाए, किसी से गलत होने से बच जाएगा, क्योंकि लोग गलत जगह पे पहुंचे हुए हैं, वहां पे उनको धोखा मिल रहा है, ठीक है। तो प्रूफ आपके सामने है, काम चल रहा है, ऑफिस है, 4-5 वीजा नहीं है भाई, 4-5 पासपोर्ट नहीं है, वीडियो दोबारा शेयर करके देख लीजिएगा। चलो दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट धमाके के साथ, धमाकेदार वीडियो, लाइक और शेयर बनता है भाई, और कमेंट तो बनता है, कमेंट ना किया तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है।